हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, नेत्र हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो ऑर्डर है वो आखिरकार अब आप लोगों के सामने जो डेट है वो आ चुकी है। जैसा कि दोस्तों मैंने 23 तारीख के वीडियो में आप सभी को पहले ही आगाह करा दिया था कि अब जल्द आप लोगों का इंतजार समाप्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कुछ डेटें दी थी, 27, 28, 29 तक मैंने आप सभी को कहा था कि इस हफ्ते के आखिर तक आप लोगों को ऑर्डर है जो वो ऑर्डर वाली खुशखबरी हम आप लोगों के सामने लेकर के आ जाएंगे। और कल रात को दोस्तों मैंने आप सभी को खुशखबरी जो है दे दी थी। तो खुशखबरी यही थी दोस्तों, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा उनके लिए 2 सेकंड में रिवाइज कर देना चाहता हूं कि ऑर्डर जो है दोस्तों आप लोगों का पब्लिश हो जाएगा 29/3/2019 को। जी हां दोस्तों, अब से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद, कहने का मतलब है कल का दिन बीच में है और परसों आप लोगों के सामने ऑर्डर आ जाएगा। अब ऑर्डर की खुशखबरी तो मैंने आप सभी को दे दी, आप सभी को खुशखबरी काफी अच्छी लगी होगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आखिरकार आप लोगों का जो ऑर्डर है वो आ चुका है क्योंकि 45 दिन सुनवाई हुई और उसके तकरीबन 40 दिन बाद जो ऑर्डर आ रहा है तो काफी अच्छी मतलब की खुशखबरी है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के सामने आ चुके हैं कि किसके पक्ष में आएगा, क्या भर्ती चुनाव से पहले संपन्न होगी, रिजल्ट कब आएगा, उत्तर कुंजी कब आएगा, उत्तर कुंजी के अंदर कितने नंबर बढ़ेंगे, मतलब कि बहुत सारे सवालों की जड़ी जो दोस्तों मेरे पास लगनी शुरू हो गई है। तो उन बहुत सारे सवालों को लेकर दोस्तों मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। कुछ लोग जानना चाहते हैं सर 19 मार्च तक का जो स्टे था उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो टेंशन मत लो, मैं सारे कुछ आप लोगों के सवाल इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आप लोगों को जो बाद में देखने को मिलता है वो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर दिखा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहां की जो भी अपडेट होगी बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक होती है। जैसा कि आज आप सभी को पता है, कल की अपडेट देख करके आप सबको पता चल गया होगा, बिकॉज मैंने पहले ही आप सभी से प्रॉमिस कर दिया था और कल दोस्तों आखिरकार आप लोगों को अपडेट मिल ही गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिजल्ट के बारे में, उत्तर कुंजी के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बोला था कि 29 तारीख को ऑर्डर आप लोगों का पब्लिश हो जाएगा। अब 29 तारीख को डेट कितने बजे, 10:15 बजे से कोर्ट शुरू होगा और कम से कम दोस्तों आधा घंटा लग जाता है जज साहब को आते आते। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 11 बजे से कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ऑर्डर जो है दोस्तों सबसे पहले पब्लिश किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच बीच में आप लोगों का ऑर्डर आप लोगों के सामने आ सकता है, ऐसी दोस्तों उम्मीद है। अब डेट बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए बात अलग है, 15-20 मिनट, लेकिन डेट तो दोस्तों फाइनल है ही है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट और उत्तर कुंजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग जानना चाहते हैं कि सर रिजल्ट कब आ जाएगा। देखो बात बताया क्या है कि अब 29 तारीख को तो ऑर्डर पब्लिश हो जाएगा, तो लखनऊ खंडपीठ वाली कहानी कल 29 तारीख को समाप्त हो जाएगी। अब याची पक्ष जाता है या फिर सरकार आगे जाती है उसका मैटर बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट होता है रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट जैसा कि सर आप सभी को पता है इलाहाबाद खंडपीठ के अंदर दोस्तों ओबीसी केस को लेकर जो है सुनवाई हुई थी और उस पर स्टे लगा हुआ था, अब उसकी आगे सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने कल भी आप सभी को इस बात के बारे में डिस्क्राइब किया था कि उसकी आगे सुनवाई ना होने का रीज़न कहीं ना कहीं लखनऊ खंडपीठ का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करेगा। एक बार अगर लखनऊ खंडपीठ का ऑर्डर पब्लिश हो जाएगा, जो स्टे लगा हुआ है इलाहाबाद खंडपीठ के लेकर, अगर वो केस आगे चलता भी है तब भी इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को 100% बोल हूं आगे से बस इतना होगा, प्रभात सर एक एप्लीकेशन लिख करके देंगे और उस स्टे को हटा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही परेशान ना हो, अगर इलाहाबाद खंडपीठ वाला केस जो आगे चलता है या फिर आगे कुछ दिनों तक आगे कैरी ऑन होता है तो इसका इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि जो दोस्तों सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाएगी जिसको मान्य करके आगे भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट और उत्तर कुंजी उस दिन जारी कर दिए जाएंगे जिस दिन दोस्तों एप्लीकेशन दे दी जाएगी। अब 29 तारीख को जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है ऑर्डर पब्लिश हो जाएगा, 11:30, 11:12 बजे तक ऑर्डर आप लोगों के पास आने की उम्मीद है और जब भी आएगा सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये भी है कि उसी दिन क्या एप्लीकेशन दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन हो सकता है कि उसी दिन आप लोग प्रोवाइड कर दी जाए और जल्द से जल्द एप्लीकेशन को मतलब कि रिन्यू करा करके फिर जो रिजल्ट उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी जाए। तो हो सकता है दोस्तों 29 तारीख को शाम को आप लोगों को रिजल्ट उत्तर कुंजी मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों उम्मीद है कि 30 तारीख को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आप लोगों को उत्तर कुंजी ही मिलेगी। तो कह सकते हैं दोस्तों रिजल्ट और उत्तर कुंजी के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, यह बिल्कुल दोस्तों साफ हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पब्लिश होगा, ऑर्डर पब्लिश होने के बाद इलाहाबाद खंडपीठ की जो स्टे है दोस्तों उसको एप्लीकेशन के द्वारा हटा लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों आप सभी का मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके क्लियर कर दिया, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके
के जरूर बता देना। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आ चुका है कि सर 60-65 होगा 40-45 होगा, ये सबसे बड़ा मतलब कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है गाइज। मैंने आप सभी को इसको लेकर पहले बहुत कुछ समझा दिया है, काफी कुछ डिस्क्राइब कर दिया इस मैटर को लेकर। दोस्तों मैं आप सभी को सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 60-65 और 40-45 दोनों ही दोस्तों एक मुद्दे हैं, दोनों को लेकर लड़ाई हुई, 45 दिन सुनवाई हुई है और 40-45 दिन तक ऑर्डर जो है रिजर्व रखा गया आप सभी के सामने है। लेकिन अब इसमें मैं एक साइड किसी के बारे में नहीं कह सकता कि किधर होगा किधर नहीं होगा, उम्मीद जताई जाएगी कि जजमेंट जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ मेहनती बच्चों को लेकर ध्यान में रखकर ही जजमेंट सुनाया जाएगा। बिकॉज जज साहब ने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है जजमेंट को लेकर, क्योंकि 45 दिन इस केस के बारीकी से सुना, उसके बाद 40 दिन तक घर पर बैठ करके इस पर होमवर्क किया है, उसके बाद इसका जजमेंट वो रिलीज कर रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी जजमेंट होगा वो मेहनती बच्चों को ख्याल रख करके ही जजमेंट सुनाया जाएगा, आंख बंद करके कोई भी जजमेंट नहीं आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ही परेशान ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल एक और आया था कि सर क्या बीएड वाले बाहर हो जाएंगे? देखो मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि बीएड तो बाहर नहीं होगा, इसको लेकर आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कोर्ट में सुनवाई हुई थी हालांकि अंतिम दिन में, लेकिन ऐसा कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को एक बात और पता होगी कि जस्टिस अजय सिंह चौहान के अंडर एक केस सुना गया था जो स्पेशल बीएड को बाहर करने को लेकर था, जिसकी सुनवाई 13 तारीख को होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई और उसके बाद से उसका स्टेटस अपडेट भी नहीं किया गया। आज आप लोगों के सामने 27 तारीख जो हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही परेशान मत होइए, बीएड को लेकर बीएड बाहर नहीं होगा और ना ही होने के कोई चांसेस हैं और ना ही ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यह होगा क्योंकि आप सभी को बताए दोस्तों रिट के अंदर कहीं भी बीएड को लेकर इन्होंने जो बहस नहीं की थी, बहस की थी लेकिन पॉइंट जो है नोट डाउन नहीं किया था, ना काउंटर के अंदर ना रिजॉइंटर के अंदर। तो बीएड को बाहर कर नहीं कर सकते हैं जज साहब, तो आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या भर्ती चुनाव से पहले संपन्न होगी? जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी सवाल आप लोगों के आ रहा मेरे पास कि भर्ती से कैसे संपन्न होगी। देखो अब आप लोग ये सोचें कि सर डबल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये होगा वो होगा, मैं आप सभी को क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। देखो अब स्टे जो मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल बेंच से ही मिलता है, डबल बेंच में अगर जाएंगे तो सिंगल बेंच के डिसीजन को 90% कैरी ऑन किया जाता है। ऐसा मैं दोस्तों कोई वो प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, आप लोगों को बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ कि ज़्यादातर ऐसा होता है। अगर कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट जो सिचुएशन होती है तो स्टे मिलने के चांसेज हैं, अदरवाइज जो भर्ती है वो काफ़ी जल्द अब संपन्न होने की उम्मीद है। और सिर्फ दोस्तों इतना होगा कि बस चुनाव आयोग से थोड़ी सी परमिशन लेनी होगी, रिजल्ट और उत्तर कुंजी, रिजल्ट और उत्तर कुंजी के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं रिजल्ट और उत्तर कुंजी फ्री में आप लोगों को मिल जाएगी, उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो नियुक्ति वगैरह के लिए पड़ेगी और उसमें चुनाव आयोग आसानी से इनको जो है परमिशन दे देगा, इतनी मुझे उम्मीद है। आप लोग इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो ऑर्डर के अंदर की पूरी बात निष्पक्ष आप लोगों के सामने मैं कह लेना चाहता हूं। देखो शुरू से लेकर एंड तक मेरी सारी बातें निष्पक्ष होती है, मैं किसी एक साइड नहीं जाता, किसी की तरफ नहीं बोलता, लेकिन उम्मीद है जता करके बैठा हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी की टीम दोस्तों शुरू से मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, हमने अपनी इस बात को नेशनल मीडिया तक पहुंचाया, नेशनल मीडिया तक ये बात पहुंची, हर नेशनल मीडिया के थ्रू इस सवाल को पूछा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा क्यों संपन्न नहीं हो रही है। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस मुद्दे को काफ़ी ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश की गई, इसलिए आप लोगों के सामने परिणाम जो है जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। और इस बात का दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल श्योर बता सकता हूं कि ऑर्डर जैसे ही पब्लिश होगा आप लोगों के लिए आगे का काम कराया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से होली पे भी बोला था गाइस कि अगर आप लोगों ने हमें होली पे गिफ्ट दिया है तो आप लोगों के लिए हम भी जल्द से जल्द होली पर होली का गिफ्ट जो है थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आप लोगों को जल्द से जल्द संपन्न कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द मेहनती छात्रों के हित में ही डिसीजन आएगा और उम्मीद है कि ऐसा ही आने वाला है। और एक और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत पूछो कि सर कट ऑफ कम होगा कि ज़्यादा होगा, इस बात को लेकर दोस्तों अभी मैं इसलिए मौन हूँ, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ऑर्डर रिजर्व है, ऑर्डर पब्लिश होने वाला है। जब तक दोस्तों कोई चीज़ न्यायालय के हाथ में आ चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, तो अब उस पर प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, इसलिए गाइस मैं इस चीज़ से आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस कोशिश करिए कि जल्द से जल्द दोस्तों आप लोगों के पक्ष में डिसीजन आएगा और भर्ती जो है संपन्न होगी और कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोस्तों कोर्ट
न्यायालय की हमारे बस की बात नहीं है, बिकॉज वो कोर्ट और न्यायालय दोस्तों स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने में, अपने जो भी डिसीजन है वो स्वतंत्र जैसे मर्जी ले सकते हैं। लेकिन सरकार से दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो नेता शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसको संपन्न कराया जाए, दुरुस्त कराया जाए। और उम्मीद है दोस्तों कि जैसे ही ऑर्डर पब्लिश होगा आप लोगों के लिए सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएंगे, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो उत्तर कुंजी हो, और चाहे वो नियुक्ति पत्र बांटने वाला दिन हो। तो सारे के सारे दिन दोस्तों आप लोगों के सामने आने वाले हैं। इस बात से बिल्कुल ना डरें कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे, उसका कोई मैटर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक भर्ती जाएगी तो मैं कह सकता हूं तब तक आधी प्रक्रिया जो भर्ती की संपन्न हो चुकी होगी, क्योंकि इतनी जल्दी अब स्टे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आगे ही काफ़ी दिनों का यहाँ पर स्टे मिल चुका था इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर। तो आगे इतनी जल्दी अब इस पर स्टे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में कोर्ट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बहस हो चुकी है, हर एक मुद्दा को खंगाल दिया गया है। बड़े से वकील दोस्तों, बड़े बड़े वकीलों को बुलाया गया था इस मैटर को लेकर। तो आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है कि ये भर्ती डबल बेंच में जाएगी तो क्या होगा, डबल बेंच में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, अब इतनी जल्दी स्टे नहीं मिलने के चांसेस हैं। गाइस मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, और आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो 110% दोस्तों जो भी लियन एंड ऑथेंटिक होता है वो आप लोगों को बताया जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। रात को दोस्तों मैंने आप सभी को खुशखबरी दे दी थी। एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देना चाहता हूँ, आखिर ऑर्डर तो आ जाए, कम से कम उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द भी संपन्न हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल ही परेशान ना हो। बाकी अगर एक डाउट दोस्तों आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि सर कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो उसको लेकर दोस्तों मैं आप सभी का डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल ही परेशान मत होइए। उसको लेकर भी आप लोगों को डिटेल वीडियो मिलने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे डाउटों का सोल्यूशन किया जाएगा। बिकॉज ऑनलाइन डफ स्टडी एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है, यहां पे दोस्तों आप लोगों की हर एक बात सुनी जाती है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।